ओलैप इज द ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। जब आपने ओलैप की सर्व ओलैप यूज़ करना है तो यू वांट कि आपका सिस्टम फास्ट चले, आपका सिस्टम आपको ऐसी कैपेबिलिटीज दे कि आपको जो एनालिटिकल नीड्स हैं वो मीट हो सकें। अब इस सारे को फैसिलिटेट करने के लिए आपको डेफिनेटली कंप्यूटेशनल रिसोर्स चाहिए, एक ऐसा सर्वर चाहिए जो आपके यूज़र की एंड यूज़र की रिक्वेस्ट को फैसिलिटेट कर सके, डेटा कोऑर्डिनेट कर सके। इट्स जस्ट लाइक अ सिंपल वेब सिस्टम कि जहाँ पे कोई यूज़र बैठा होता है तो वो सर्वर को रिक्वेस्ट जाती है, सर्वर डेटाबेस से इंफॉर्मेशन फेच करके डेटाबेस को मैनेज कर रहा है या उसमें से इंफॉर्मेशन रिट्रीव करके यूज़र को रिटर्न कर रहा है। मल्टीपल यूज़र्स की रिक्वेस्ट आ रही है तो उनको हैंडल कर रहा है एंड सो ऑन। तो ये चीज़ आपके पास सिमिलर काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट फॉर द ओलैप एज वेल। ठीक है, तो ओलैप सिस्टम के लिए सर्वर के क्या आर्किटेक्चर्स अवेलेबल हैं, आज का हमारा यही टॉपिक है। इफ वी वॉन्ट टू क्विकली रिवाइज वट वी हैव स्टडीड सो फार, कि आपके पास कुछ सोर्सेज होती हैं, उन सोर्सेज में से डेटा को डेटा वेयर हाउस में लेके जाने के लिए ETL का प्रोसेस है। तो ETL का प्रोसेस जहाँ पे टेम्परेरली स्टोरेज करता है और डेटा की प्रोसेसिंग करता है, दैट इज़ कॉल्ड द स्टेजिंग एरिया। वंस द डेटा इज स्टोर्ड, फिर आप उसको आगे ओलैप सर्वर्स या डेटा माइनिंग के लिए यूटिलाइज करना चाहेंगे। तो अब ये सारी जो चीज़ है इसको फैसिलिटेट करने के लिए बीच में आप अपना कुछ कस्टमिक सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं सर्वर्स का, कि ताकि उसको आप फैसिलिटेट कर सकें। सो इसको आप मल्टी डायमेंशनल ओलैप सर्वर्स कहते हैं जी, कि आपके पास ये मल्टीपल डायमेंशन का डेटा जो है उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। दिस सर्वर सपोर्ट मल्टी डायमेंशनल डेटा व्यूज थ्रू एरे बेस्ड मल्टी डायमेंशनल स्टोरेज इंजन। सो बेसिकली क्या है कि आपके पास मल्टीपल डिवाइसेस पड़ी हुई हैं, रेंज ऑफ डिवाइसेस जिसके अंदर डेटा पड़ा है, और अब आप उसको यूटिलाइज करें। दे मैप मल्टी डायमेंशनल व्यूज डायरेक्टली टू डेटा क्यूब एरे स्ट्रक्चर्स। ठीक है, सो अब ये आपके पास इंफॉर्मेशन का एक शेप इमेजिन कर रहे हैं आप, और ये बेसिकली डायरेक्टली डेटा क्यूब्स के अंदर से डेटा को उठा के रेंडर कर रहे हैं आपके एंड यूजर के लिए। द एडवांटेज ऑफ अ मोलैप इज कि आपके पास डेटा को प्री कंप्यूट करके रख दिया जाता है। डेटा क्यूब्स के अंदर आपके पास डेटा ऑलरेडी आ गया है, आपको पता है कि इसमें क्या क्या डायमेंशन सपोर्टेड है, इसमें क्या क्या डेटा एक्चुअल में पड़ा हुआ है। सो यू डोंट हैव टू गो बैक टू द डेटा वेयर हाउस टू फेच द डेटा। ऑल यू डू नीड टू डू इज के मोलैप सर्वर को एक्सेस करें, वहाँ पे डेटा प्री कंप्यूटेड पड़ा है वो आपको रिटर्न कर देगा। इफ़ यू वॉन्ट सम अदर एनालिसिस, फिर आपको डेटा वेयर हाउस के लेवल पे डायरेक्टली प्रोसीड करना पड़ेगा, डेटा वेयर हाउस के डेवलपर्स को कहना पड़ेगा कि भाई ये वाला डेटा एक्स वाई जेड डेटा दैट वी रिक्वायर फॉर एनालिसिस इज नॉट अवेलेबल, प्लीज मेक इट अवेलेबल फॉर द मोलैप सर्वर्स। वो फिर आपके लिए एक नई डेटा क्यूब डिजाइन करके आपको अवेलेबल करेंगे या मे बी थ्रू सम अदर मीन्स। दिस इज द ओवरऑल मोलैप मॉडल कि जिसके अंदर आपके पास मल्टी डायमेंशनल डेटाबेसेस पड़ी हैं। नाउ यूजुअली दीज डेटाबेसेस आर प्रोप्राइटरी, ये खुद डिज़ाइन करके ऑर्गेनाइजेशन रखी होती हैं, देर इज़ नो वन स्टैंडर्ड के ऐसी ही होनी चाहिए। ठीक है, उसके अंदर आपके पास डेटा आ जाता है डेटा वेयर हाउस के अंदर से, कि जब डेटा वेयर हाउस में डेटा लोड हो रहा है तो वो उधर ही अकॉर्डिंगली आपके मोलैप के जो मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस है उनको अपडेट कर देता है। क्लाइंट ने जस्ट उसको एक्सेस करना है, मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस से इंफॉर्मेशन रीड कर लेनी है। इसका फायदा ये होगा कि जो ऑलरेडी वी नो कि दिस काइंड ऑफ डेटा इज यूजुअली अवेलेबल रिक्वायर्ड, फॉर एग्जांपल लास्ट 3 मंथ्स ऑफ फाइनेंशियल डेटा, लास्ट 3 मंथ्स ऑफ सेल्स डेटा, लास्ट 3 मंथ्स ऑफ सम अदर काइंड ऑफ डेटा, वो ऑलरेडी आपने स्टोर कर दिया मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस में। तो यू नो कि मोस्ट ऑफ द एनालिटिकल क्वेरीज विल बी आंसर्ड थ्रू द मल्टी डायमेंशनल डेटाबेसेस। ओके, अब मे बी रिमेनिंग 5, 10, 20% ऑफ द क्वेरीज विच रिक्वायर मोर डेटा, विच रिक्वायर सम यूनिक डेटा, कोई ऐसी डायमेंशन जो ऑलरेडी मल्टी डायमेंशन डेटाबेस की डेटा क्यूब्स में नहीं है, तो फिर वो लोग आपके डेटा वेयर हाउस को ऊपर क्वेरीज रन करवा रहे होंगे या किसी खास तरीके से डेटा को डेटा वेयर हाउस में से फेच कर रहे होंगे। तो अब डेटा वेयर हाउस के ऊपर डायरेक्ट जो एक लोड था वो कम हो गया, और वो भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, और दूसरी साइड पे मल्टी डायमेंशनल डेटाबेसिस कैन ऑल्सो परफॉर्म रीजनेबली वेल।
एक दूसरा अल्टरनेटिव आर्किटेक्चर आपके पास ये आ जाता है कि वो रिलेशनल ओलैप, इसको हम कह रहे हैं कि जिसमें आप रिलेशनल डेटाबेसेस यूज़ कर लेते हैं, जिनका मकसद ये है कि इनको आपने मैप कर दिया है टूवर्ड्स द डेटा वेयर हाउस एट द बैक एंड। अब आपके पास कोई चीज़ प्री कंप्यूटेड नहीं पड़ी हुई, बल्कि आप रन टाइम पे क्वेरी लिखते हैं कि आपको दिस 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 काइंड ऑफ डायमेंशंस एंड फैक्ट्स आर रिक्वायर्ड। वो उसी टाइम पे आप क्वेरी लिख रहे हैं रिलेशनल डेटाबेस के लिए, लेकिन वो बैक एंड पे जाके डेटा वेयर हाउस से फेच करके आपको रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, इसका फायदा ये हुआ कि इवन इफ देर इज सम डायमेंशन जो आप लोग पहले कभी यूज नहीं करते, आपको वो डायमेंशन बड़ी इजीली अवेलेबल हो सकती है क्योंकि उसकी मैपिंग क्रिएटेड है। इसका ड्रॉबैक ये हुआ कि आपको जो चीज़ें इवन फ्रीक्वेंटली भी यूज़ करनी होती हैं, लेट्स से ऑन डेली बेसिस, इवन वो भी आपको डेटा वेयर हाउस से फेच करनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से आपका रिस्पॉन्स टाइम कम हो जाएगा। सो दीज आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स कि इसके अंदर रोल एप सर्वर के अंदर ऑप्टिमाइजेशन तो होती है चीज़ों के लिए, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा स्पीड का आप कह लें कि एक फ़र्क आ जाता है। ठीक है, इसके अंदर रोल एप के अंदर ज़्यादा आपको फ़ायदा तब मिलता है कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा मिल जाती है कि आप जिस तरह का भी एनालिसिस करना चाह रहे हैं, यू कैन इजीली डू द एनालिसिस। सो रोल एप इंजन जो है, ये रन टाइम पे इंफॉर्मेशन फेच करेगा और उसके बाद डेटा को डायनामिकली डेटा क्यूब्स की एक फॉर्म बना के फॉर नेक्स्ट 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, वट एवर द टाइम इज बिन सेट, उसके लिए आपके पास अवेलेबल कर देगा और आप उसको फिर एक्सेस कर सकते हैं। रोल ऐप वर्सेस मोल ऐप, जी ये एक ओवरऑल कंपैरिजन है कि रोल ऐप स्टैंड फॉर रिलेशनल ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, मोल ऐप इज द मल्टी डायमेंशनल ऑल ऐप। और उसके अलावा आपके पास स्टोरेज के अंदर रोल ऐप में डायनामिक हो रहा है, उसी रन टाइम पे चीज़ हो रही है। ठीक है, और मोल ऐप के अंदर एक्चुअल में आपके पास मल्टी डायमेंशनल डेटाबेसिस हैं, जहाँ पे आपके पास इंफॉर्मेशन को प्री कंप्यूट करके स्टोर कर दिया जाता है इन एज पर द डिफाइंड डेटा क्यूब्स। फिर डेटा की फॉर्म है जी कि डेटा इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ रिलेशनल टेबल्स एज वेयर एज इन मोल ऐप ये मल्टी डायमेंशनल एरेज होते हैं। रोल ऐप लार्ज डेटा वॉल्यूम्स को हैंडल कर लेगा क्योंकि एक्चुअली उसने तो सिर्फ डेटा वेयर हाउस से डेटा को फेच करना है रन टाइम पे। एज वेयर एज मोल ऐप इज कंसर्न, मोल ऐप में फिर आपके पास लिमिटेड समरीज कर कैलकुलेट करके प्री कंप्यूट करके, जो हमने डेटा क्यूब का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, वो चीज़ें कंप्यूट करके उनको स्टोर कर दिया जाता है और वहाँ से वो रीड की जाती है आगे। इसके अलावा जी रोल ऐप जो है वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है कि वो कॉम्प्लेक्स एसक्यूएल क्वेरीज को मैप करने के लिए रिलेटेड इन्वॉल्व जो आपके पास टेक्नोलॉजीज हैं कि एसक्यूएल की मैपिंग कैसे मैनेज होती है एंड सो ऑन। मोल ऐप के अंदर आपके पास प्री कैलकुलेटेड क्यूब्स हैं, यू नो हाउ थिंग्स आर डन। इसमें सिर्फ जो एक एस्पेक्ट आ जाता है कि आपके पास स्पार्स डेटा हो सकता है, यानी कि देर कैन बी अ लॉट ऑफ जीरोज मिसिंग वैल्यूज देयर। ठीक है, कि मतलब वहाँ पर देर इज़ नो मीनिंगफुल वैल्यू इन दैट स्पेसिफिक कॉलम, मे बी वेरी रेयरली सम इंफॉर्मेशन कम्स इन, बाकी जो रेस्ट ऑफ द वैल्यूज हैं वो 0000 ही होती हैं या मिसिंग ब्लैंक होती नल होती हैं। तो उसको हैंडल करके स्पार्स मेट्रिसेस को कैसे हैंडल किया जाता है, उसके लिए टेक्नोलॉजी को ऑप्टिमाइज कर लिया जाता है। सो दैट वुड डिपेंड बेसिकली ऑन द नेचर ऑफ द डेटा। इट्स नॉट, इट मे नॉट ऑलवेज बी द केस, बट इट कुड बी द केस इन सम ओकेजन्स। ठीक है जी, फिर रोल ऐप क्रिएट्स अ मल्टी डायमेंशनल व्यू ऑफ द डेटा डायनेमिकली, तो ये डायनेमिकली व्यू जनरेट करेगा। मोल ऐप में प्री कंप्यूटेड है, ऑलरेडी डिफाइंड है कि इस तरह की एक डेटा क्यूब होगी। रोल ऐप का एक्सेस स्लो होगा, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा थी आपको, लेकिन एक्सेस इसका स्लो हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि डेटा जब आपने बताया कि दिस इज़ द काइंड ऑफ डेटा आई वॉन्ट, वो उसके लिए मैपिंग क्रिएट करेगा, एसक्यूएल की क्वेरीज को कन्वर्ट करेगा ऑन द डेटा वेयर हाउस, डेटा वेयर हाउस पर ट्रांसलेट करेगा, डेटा वेयर हाउस से इंफॉर्मेशन को फैच करेगा, उस फेच्ड इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली कोई डेटा क्यूब को डायनेमिकली आपके लिए अवेलेबल करेगा और देन आपको बताएगा कि जी ओके दिस डेटा इज नाउ अवेलेबल, नाउ यू कैन फर्दर परफॉर्म वट एवर क्वेरीज यू वॉन्ट ऑन ऑन दैट स्पेसिफिक डेटा क्यूब। मोल ऐप में थिंग्स आर ए लिटिल डिफरेंट। मोल ऐप में ऑलरेडी आपने बता दिया था कि क्या डेटा क्यूब आपको चाहिए, क्या डायमेंशंस उसके अंदर आपको पॉपुलेटेड चाहिए, डेटा ऑलरेडी कंप्यूट कर लिया गया था अकॉर्डिंग टू दोज डायमेंशन और उसको स्टोर कर दिया गया है ऑन दोज मल्टी डायमेंशन डेटा बेसिस। सो ऑल यू नीड टू डू इज उस मल्टी डायमेंशन डेटा बेस को हिट करें और वहां से इंफॉर्मेशन को फेच कर लें।
फिर हमारे पास एक अप्रोच ज़्यादा इससे नेक्स्ट लेवल पे आ जाती है कि हम कहते हैं कि वी वॉन्ट टू यूटिलाइज द गुड एस्पेक्ट्स ऑफ बोथ आर्किटेक्चर्स, कि रोल ऐप जो फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है और मोल ऐप जो स्पीड दे रहा है, वी वॉन्ट टू यूज़ बोथ ऑफ देम। तो उसके कॉम्बिनेशन का तरीका फिर क्या होगा कि आप मोल ऐप भी यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन आपको पता है कि यू नीड इट फ्रीक्वेंटली, आप उसको प्री कंप्यूट करके स्टोर करा रहे हैं इन योर मल्टी डायमेंशनल डेटा बेसिस। ऑन द अदर हैंड देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि यू आर गोइंग टू नीड समथिंग एल्स फ्रॉम द डेटा वेयर हाउस जो कि जनरली आप यूज़ नहीं करते, उसके लिए आप रोल ऐप डिप्लॉय कर रहे हैं और रोल ऐप आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है कि वेन एवर देर इज सच अ रिक्वायरमेंट यू डोंट नीड टू गो टू द डेटा वेयर हाउस डिवेलपर्स एंड वेट फॉर अ वीक और 2 वीक्स फॉर देम टू डिवेलप अ सोल्यूशन फॉर यू। यू जस्ट राइट द क्वेरी, वो रोल ऐप उसको ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट करेगा इन टू द डेटा वेयर हाउस और वो डेटा वेयर हाउस से इन्फॉर्मेशन फेच हो जाएगी। तो ये आपके पास होल ऐप का आर्किटेक्चर आ जाता है।